हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बता रही हूं एल्यूमिनियम का एक ऐसा टोटका जो आपके ज़िंदगी की हर बाधा को दूर करेगा, और इसके द्वारा क्या क्या फ़ायदे आप ले सकते हैं ये मैं बताती हूं। मित्रों, अभी ये तो साबित हो गया कि एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है वो फ़ायदेमंद नहीं होता है और इसका प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन इसमें फिर भी लोग इसको यूज़ में लेते हैं, होटल वाले भी यूज़ में लेते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इसमें खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहता है और बहुत जल्दी अच्छे तरीके से बन जाता है, ये इसकी खासियत है। आप किसी और बर्तन में बनाएंगे तो टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बन जाता है, ये इसकी खासियत है। और यही वजह है कि ये मालूम होते हुए भी कि भाई ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है तो भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और सामान्य तौर पर इसका प्रयोग कुछ किया भी जा सकता है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको जो सही लगे वो करिएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको इसके कुछ टोटके और उपाय बताऊँगी, लेकिन यह है कि जैसे तीज त्योहारों पे कभी कोई तलना हो, थोड़ी देर के लिए तल लिया, फिर खाली कर लिया बर्तन को, वहाँ तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका मैं कुछ खास उपाय आज आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। एल्यूमिनियम जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जिनको बुध ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही है, जैसे कि शेयर मार्केट में दिक्कत आ रही है, या किसी को अपने रोज़गार में जो बिज़नेस था, कंपनी वगैरह है, फैक्ट्री है, वहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये एल्यूमिनियम का टोटका उनके बहुत काम का है। इसके अलावा जो लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर अपने कार्य को चमकाएं, उनके लिए भी एल्यूमिनियम का ये टोटका बहुत ही कारगर है। एल्यूमिनियम के प्रयोग के द्वारा, इस तरह के टोटके के द्वारा आपके घर में अथाह धन संपदा आ सकती है। आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम का एक बर्तन लेना है, आप जैसा दिख रहा है आप इस तरह का भी ले सकते हैं, कढ़ाई नहीं लेनी है, इस तरह का ही गोल बर्तन होना चाहिए, तो वो आपको लेना है। और इसके अंदर आपको 1.25 किलो मूंग रखने हैं साबुत, 1.25 किलो साबुत मूंग रखने हैं, और थोड़ी सी दूरवा होती है ना, दूरवा रखनी है, उसको ले जाकर इस बर्तन में ही रखकर, और चौराहे पर आपको रख के आ जाना है। ये काम आपको बुधवार को करना है। जिसकी कुंडली में बुध पीड़ित हो, वो मैं बताती हूँ कि बुध के लिए उपाय कौन कर सकता है। जिनका मेष लग्न है, उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो वो ये एल्यूमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क लग्न वालों के लिए भी बुध अकारक होता है, क्योंकि द्वादशेश होता है, 12वें घर का मालिक होता है। कई बार हम देखते हैं कुंडली में लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसके बुध के जो है अच्छे परिणाम भी हैं और दुष्परिणाम भी हैं, क्योंकि कोई ग्रह यदि आपके लिए अनुकूल नहीं है तो वो आपको परेशानी दे सकता है। तो इसलिए उनको जो जिनका कर्क लग्न है, उनको इसके अंदर काले उड़द रखकर और चौराहे पर रख देना चाहिए, और एक उनको इसके अंदर कील भी रख देनी चाहिए शनिवार के दिन, तो उनकी जो पैसे संबंधी दिक्कत है ना वो सॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा जो उनका सिंह लग्न है, वो काले तिल इसके अंदर रखें और चौराहे पर रख कर आ जाएं। बर्तन छोटा भी ले सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, आपको इससे छोटा भी मिल जाए तो ले लें, लेकिन कढ़ाई नहीं लेनी है, इस तरह का ही कोई बर्तन आपको लेना है। इसके अलावा जिनका वृश्चिक लग्न है, उनको अचानक से जीवन में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, अपमान हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं कई तरह की, तो वो इसको एक हरे कपड़े में लपेट लें, बर्तन को हरे कपड़े में पूरा लपेट लें में, और उसको हरे रंग के धागे से ही बांध दें में। उसके बाद इस बर्तन को किसी ऐसी जगह पर रख कर आ जाएं जहां बहुत हरियाली हो, चुपचाप से वहां पर रख कर आ जाएं, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर होगी, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव होगा, अपयश नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप अगर लग रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों को यदि विवाह में दिक्कत आ रही है, या धनु लग्न वाले भी कर सकते हैं, विवाह में दिक्कत आ रही है या रोज़गार में भी संकट आ रहा है, स्पेशली जो धनु लग्न वाले हैं, तो वो इसके अंदर कोई भी पत्तेदार सब्जी इसके अंदर रख दें, और ऐसी जगह जहाँ पर जानवर वगैरह खाते हैं वहाँ पर इसमें रख के और रख कर आ जाएं, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब फ़र्श पर या इधर उधर डालने की बजाय हरी सब्जियों को इसमें रख के, किसी जहाँ पर जानवर वगैरह खाते हैं, हरी सब्जियाँ वगैरह वहाँ पर डाल कर आ जाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मीन लग्न वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। यदि विवाह में दिक्कत हो रही है तो इसमें हरे पत्तेदार सब्जी रखें, एक टुकड़ा एक रुमाल के साइज़ का हरा कपड़ा रख दें, और थोड़ी सी साबुत मूंग रख दें इसके अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये बुध के उपाय करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एल्यूमिनियम का जो बर्तन है वो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा देता है। इसके अलावा अगर आपको
पैसे संबंधी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो जो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है वो अपने काम घर में काम करने वाली मेड को गिफ्ट में दे दें, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, पुराना नहीं नया लाकर, और ये काम बुधवार के दिन करना है आपको, तो अपनी मेड को एक प्रेशर कुकर गिफ्ट दे दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एल्यूमिनियम का। तो इस तरह से आज मैंने एल्यूमिनियम के ऐसे उपाय बताए जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, और यही इस चैनल की खासियत है कि यहाँ पर आपको ऐसे सस्ते सुंदर टिकाऊ उपाय बताए जाते हैं जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।